नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर लेकर हाजिर है हम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। शुरुआत खबरों की। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में पूर्व बीएसपी के विधायक के राइस मिल पर सीएम योगी का बुलडोजर चल गया। बुलडोजर ने पूर्व विधायक मोहम्मद तबिश खान के राइस मिल को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एंटी भूमाफिया कानून के तहत भूमाफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। बताया जाता है कि सत्ता में रहने के दौरान गिढ़ी के बंजर की जमीन पर पूर्व विधायक ने राइस मिल लगाने के साथ ही दुकान बनाकर अवैध कब्जा किया था। सालों से चल रही अवैध राइस मिल और दुकान पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की देखरेख में इसे ध्वस्त कर दिया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि पूरे मामले में उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन जबरदस्ती उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक होने के नाते उनको टारगेट किया गया है। दौल तहसील के ग्राम राजे डीहा में मुझे जहां तक संज्ञान है कि धारा 67 के अंतर्गत राष्ट्र संहिता की गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर वाद आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व विधायक जी का कब्जा उसमें पाया गया था, जिसमें प्रॉपर उसमें इनको नोटिस हुआ था। नोटिस के बाद इनको जवाब दाखिल करना था। जवाब के बाद बहस बहस करके मेरिट के आधार पे इनको बेदखल किया गया था। इसके चूंकि ये गढ़ी है जिस पर किसी को टाइटल नहीं मिल सकता है। सर, मेरे मकान को जो भूमधरी आबादी का पूरा नंबर है, पूरा जो गांव सभा का कह रहे हैं, पूरा आबादी बसी हुई है, उसमें कहीं एक भी सुई के नोक के बराबर कहीं खाली जगह नहीं थी। सिर्फ मेरी ही जगह को उन लोगों ने गिराया है, जबकि मेरी भूमधरी का है नंबर। नापने पे पैमाइश, नापने पे पश्चिम से नापो पूरब जाता है, पूरब से नापो पश्चिम जाता है। दक्षिण पूरी आबादी बसी हुई है और उस ज़मीन के तीन तरफ मेरा है। ऑलरेडी गड्ढा 10 मंडी का है, 5 बिस्वे का से बस उतना उसी में पड़ा हुआ है। वहीं खबर बस्ती से है, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराओ अभियान चला रहा है। सरकारी जमीनों पर बने अवैध मकानों को बुलडोजर से जिला प्रशासन गिराना अब शुरू कर चुका है। इसी के चलते हरिया तहसील के केसराई गांव में प्रशासन का बुलडोजर गरजा। बरसों से तालाब पर अवैध रूप से पक्का मकान बनाकर रह रहे घरों को बुलडोजर ने ढा दिया। तहसीलदार सत्येंद्र सिंह और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 3 मकानों को जमीन दोस्त कर दिया गया। ये ग्राम केसराई में गाटा संख्या 265 जो तालाब के नाम से दर्ज था, इस पे 2-3 व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा करके मकान बनवा लिया गया था, जिसका बेदखली का बाद दाखिल हुआ था। न्यायालय द्वारा ये लोग बेदखल हुए थे, लेकिन अवैध कब्जा नहीं हटाया। फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में इनको आज बेदखल किया गया है। तो सर, क्या जो बेदखल हुए क्या उनके लिए सर कोई मकान उपलब्ध कराया जाएगा या फिर जमीन वगैरह दिया जाएगा इनको? नहीं, जो पात्र जिसके पास मकान नहीं होगा उसको मकान दिया जाएगा। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिसके पास मकान नहीं है, तो उनको जमीन दे दी गई है, चिन्हित कर दिया गया है और उन लोगों को बता भी दिया गया है, वहाँ पर उनको बसा दिया जाएगा। क्योंकि ये पोखरी है, इस पर किसी को बसने का अधिकार नहीं है और इसलिए उनको गांव सभा की जो बंजर की जमीन थी उस पर उन लोगों को सेटल कर दिया गया है। वहीं बस्ती जिले के रुधेली के थाना क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पर एक गांव में शौच करने घर से बाहर गई लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंग रेप कर दिया, ये आरोप लगा है। पीड़िता जब अपने घर पहुंची तो घर वालों को उसने अपनी आपबीती बताई, जिसके बाद इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 3 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया। तीनों ही युवक एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 4 मई की रात्रि 10 बजे थाना रुधौली क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता के द्वारा 112 नंबर पर फ़ोन किया गया कि उसके साथ जब गांव के बाहर वो शौच करने गई थी तो गांव के रहने वाले 3 लड़कों के द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। इस सूचना पर तत्काल थाना रुधौली की पुलिस मौके पर पहुंची और हम उच्चाधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे। लड़की की तहरीर के आधार पर तत्काल 376D का अभियोग पंजीकृत किया गया और जो 3 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। उन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, इनसे जांच की जा रही है।
वहीं खबर देवरिया से है, जहां पर गड्ढा मुक्त सड़कों की पोल खुलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के परस्तोत्मा में इंद्रपुर जाने वाला रास्ता एकदम जर्जर हो चुका है। ये तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी का ध्यान इस ओर जा ही नहीं रहा। वहीं स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि लगभग कई सालों से सड़क का यही हाल है, यही आलम है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद एक भी वादा पूरा नहीं होता। वहीं बात कपिल चौराहे की करें तो यहां से बदगोनिया स्कूल जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। राहगीरों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। इस वक्त मैं रुद्रपुर विधानसभा में उपस्थित हूं और जिस जगह मैं उपस्थित हूं यह परसोतिमा ग्राम सभा है और ये परसोतिमा ग्राम सभा का रोड है। आप देख लीजिए इस रोड की हालत क्या है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि इस रोड की हालत क्या है, यह सड़क कितनी जर्जर हो गई है आप देख सकते हैं। देखिए सरकार लाख दावा करे कि मैं उत्तर प्रदेश में बढ़िया से बढ़िया सड़कें दे रहा हूँ, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए सड़क की हालत क्या है। आपको बता दूं कि यह सड़क जिस जगह मैं उपस्थित हूं, यह परसोतिमा से होते हुए इंदुपुर होते हुए गौरी बाजार को यह सड़क जोड़ती है और इस सड़क की हालत एकदम जर्जर है। और देखिए इस पर पीडब्ल्यूडी की ध्यान कब पड़ती है और इस सड़क को मरम्मत कब किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हत्यारे पति की। वाक्या है गाजीपुर का, जहां पर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दरअसल वारदात 2 अप्रैल की बताई जा रही है, जहां पर नंदगंज क्षेत्र के कुसामी कला गांव में प्रेम शंकर बिंद ने आपसी विवाद के चलते अपनी पत्नी कंचन और मां को चाकू मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान बताया जाता है कि कंचन की रास्ते में ही मौत हो गई। बुधवार को एसपी सिटी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि 4 मई की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि हत्या का आरोपी हाईवे पर मौजूद है, जिसके बाद दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना नंदगंज में 2/5/2022 को एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से मार के घायल कर दिया गया था, जिसको हॉस्पिटल में ले गए थे। उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें FIR दर्ज किया गया था और इसकी तलाश में थी। पुलिस द्वारा आज इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने जो हत्या का कारण जो अब तक के विवेचना से अभी तक जो आया है वो ये आया है कि इसके सास के पास 1 बीघा ज़मीन थी। वो अपनी सास से वो 1 बीघा ज़मीन मांग रहा था कि अपनी पत्नी से कह रहा था कि अपनी सास से मांगो। वो इसमें असफल रही, बार बार कहने के बावजूद भी वो नहीं दिला पाई। तो इसी में इसने 23 में आकर 2 तारीख को अब इसने अपनी पत्नी को भी मारा था और सास को भी घायल किया था। वहीं गोरखपुर में पुलिस लाइन व्हाइट हाउस में जिले के तमाम थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क के मुद्दे पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क के कार्यरत कर्मचारियों को पहले उत्तरदाता के रूप में साइबर हेल्प डेस्क की भूमिका विषय पर वर्कशॉप के जरिए साइबर अपराध की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। ADG महोदय के और DIG महोदय के निर्देशन और SSP महोदय के पर्यवेक्षण में ये साइबर क्राइम अवेयरनेस की एक वर्कशॉप थानों पर साइबर सेल स्थापित किया गया है, उनके लिए आयोजित की गई है। इसमें प्रमुख रूप से हम थानों के लिए ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है कि अपने काम को, अपनी स्किल को साइबर क्राइम डिटेक्शन के लिए हमारे प्रत्येक थाने की टीम ही जान जाए। अगर हमारे थाने पर ही साइबर क्राइम के डिटेक्शन के लिए एक टीम उपलब्ध रहेगी तो आने वाले फरियादी के लिए जनपदीय साइबर सेल में आने की, जनपदीय मुख्यालय आने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं जौनपुर का जिक्र करते हैं, जहां पर बहनोई की संपत्ति के लालच में सालों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ना सिर्फ बहनोई की हत्या कर डाली बल्कि बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों के शवों को छिपाने के लिए उसे नहर में फेंक दिया।
लाख चलाकियों के बाद भी हत्यारे पुलिस को चकमा नहीं दे पाए और पुलिस ने इस वारदात में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वाकया जौनपुर के मुढ़ी तहसील का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संपत्ति के लालच में बहन और बहनोई की हत्या किए जाने की इस घटना ने एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार कर दिया। ये घटना इस प्रकार हुई कि थाना मड़ियाहू में ग्राम साहूपट्टी में एक महिला पूनम कटियार और उसका पति सत्येंद्र कटियार की हत्या दिनांक 29 मार्च की रात में कर दी गई और 30 मार्च की रात में उसकी लाश को जो हत्यारे थे जिसमें उसका सगा भाई पिंटू सिंटू और उसका एक मित्र छोटू और उस गांव का एक ग्राम प्रधान कैलाश पटेल और इन लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी को लाश ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसका जो ड्राइवर है सुनील गौड़, इनकी मदद से हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। वहीं कुशीनगर में स्वच्छ भारत मिशन को नगरीय स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में एक और नई पहल करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में हर घर कूड़ा पत्र वितरण किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि पेट्रोनाम को स्वस्थ करने के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से गीला और सूखा कूड़ा हर घर 2 कूड़ा पात्र वितरण कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही उन्होंने आश्वासन देते हुए बताया कि बहुत ही जल्द घर घर जाकर सफाई कर्मी उस कूड़ा पात्र से कूड़ा इकट्ठा करते हुए नजर आएंगे। वहीं दिल को दहलाने वाली खबर श्रावस्ती से आई, जहां पर 21 साल के युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की खबर परिजनों को जैसे ही मिली कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि युवक किसी काम से बहराइच गया था, वापस आते वक्त NH 730 हाईवे बहराइच बलरामपुर रोड के दमुआ मोड़ के पास बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ा और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, मगर ट्रॉमा सेंटर ले जाते वक्त रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। उधर श्रावस्ती में इन दिनों बाढ़खंड विभाग की मनमानी देखने को मिल रही है। दरअसल बरसात का महीना आने वाला है, जिसको लेकर बाढ़खंड विभाग राप्ती पर बांध बनाने का काम तेजी से हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ विभाग किसानों की कृषि योग्य भूमि पर दर्जनों ट्रैक्टर चलाकर किसानों की जमीनों को बर्बाद करने पर तुला है, जिसको लेकर आज सैकड़ों किसानों ने इसका विरोध भी किया। साहब बता रहे हैं कि 1.5 फीट की अनुमति, कोई अनुमति नहीं है इनके पास, कोई लिखित आदेश नहीं है, ना हमको काले अक्षर में लिख के दिखा रहे हैं। हमारी किसान की जो जमीन बैनामा है उसको ये जो मर्जी करें, जो हमने बैनामा नहीं करी है उसमें हमारी मर्जी के खिलाफ ये एक इंच मिट्टी भी नहीं उठा सकते यहाँ। और यहाँ पे 3-3, 4-4 फीट का गड्ढा बनाया जा रहा है। किसान की जो उपजाऊ मिट्टी है वो हटा के पूरा चकचक उसका बंधे पे डाला जा रहा है। उसके नीचे बालू है, ये नदी के कटान का इलाका है, उसके नीचे बालू है, किसान रहेगा कि मर जाएगा। क्या ये है कि हमारा जो जमीन सरकार ने लिया है उतना ही खोदे, हमारा खेत 3-3 फुट गहरा खोद दिए हैं, बोरिंग भी फटा दिए और इसके बाद में उसको हमें सूचना भी नहीं दिया गया और रोकने पर भी नहीं माने और सब पूरा जमीन खोद डाले। किसने खोद डाला, क्यों खोद डाला बताइए? ये जबरदस्ती खोद डाले, हमने रोका था फिर भी नहीं माने। क्यों खोद रहे हैं, कहां के लिए खोद रहे हैं? उसको बंधा बांधने के लिए, तो बंधा बांधने के लिए हमारे बच्चे कहाँ चले जाएंगे? 2-2 फुट गहरा कर देंगे तो कहाँ, उसमें क्या पैदा होगा? कहना चाहता हूँ कि जो भी ठेकेदार है, ठेकेदार जो बंधा बना रहा है, उसका ये है कि वो ग्रामीणों से मिल करके और उसकी सहमति लेकर के मिट्टी लेके बंधा बनाए। अच्छा, सहमति अगर होती तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? तो सहमति नहीं है, मैं भी ठेकेदार को बुला करके उससे बात करता हूँ। तो यहाँ पर गलती किसके द्वारा हुई? अभी एक महिला कह रही थी कि उसने जब रोका कि हमारे खेत में खोदी तो कहने का, तो वो तो खैर कुछ नहीं है कि क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा आदमी, लेकिन ये है कि यदि उसने ठेकेदार ने बिना किसी किसान के अनुमति के ये काम किया है या 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा खोद दिया है 1.5 फुट से, तो गलत खोदा है, उससे बात हो।
वहीं श्रावस्ती में नदी से निकलकर गांव में एक खतरनाक मगरमच्छ पहुंच गया, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग टीम और पुलिस को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करने के प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह होते ही मगरमच्छ वापस नदी में चला गया। वहीं श्रावस्ती में इलाज कराने आई महिला की अनियंत्रित ट्रक से टक्कर से मौत हो गई, जहां सड़क पार करते वक्त महिला हादसे का शिकार हो गई। महिला की मौत से परिजनों में दुख का माहौल है। वहीं ट्रक को जब्त कर लिया गया, पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया। ये पूरा मामला सिसिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं श्रावस्ती में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीता द्वार का सौंदर्यकरण करवाया जा रहा है, जहां इकोना विकास खंड के टंडवा महंत स्थित सीता द्वार मंदिर का अपना पौराणिक स्थान है। वहीं अक्षय तृतीया को यहां पर बकायदा 154 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैली झील की सफाई से सौंदर्यकरण का कार्य का आगाज भी किया गया। ये तस्वीरें आप उसी वक्त की देख रहे हैं। बकायदा डीएम ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री तालाबों के संरक्षण की प्रेरणा से जिले के सबसे बड़े तालाब के सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है। मंत्री जी की प्रेरणा से हमने ये प्रोजेक्ट टेकअप किया है, जिसमें जलाशयों का जीर्णोद्धार करना है। और ये हमारे श्रावस्ती का बहुत बड़ा जलाशय है। टोटल इसका एरिया 154 हेक्टेयर्स है, सबसे बड़ा जलाशय है और इसमें टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो ये बहुत लोगों को रोज़गार भी प्रदान करेगा। हमने अभी एक प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया है, जिसमें यहाँ पर बोट क्लब की स्थापना होगी। हम यहाँ पर एक लोटस गार्डन भी बनाएंगे और इसका कुछ एरिया जो होगा उसको मछली पालन की व्यावसायिक गतिविधियों में यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक हैंगिंग रेस्टोरेंट बनाने का भी प्रस्ताव है और वाटर पार्क भी बनाया जाएगा। जो झील है उसके चारों तरफ एक जॉगिंग ट्रैक बनेगा और एक स्ट्रेच ऑफ एरिया है जहाँ पर वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। साहिबा ने सारी बात आपको बता दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, चाहत है कि जलाशयों को पूरी तरीके से इनको बढ़ावा दिया जाए और ये एक पौराणिक धार्मिक स्थल है, यहाँ हिंदुओं का एक केंद्र बिंदु है। अभी हमने 2 करोड़ रुपया चुनाव से पहले माननीय पर्यटन विभाग से पर्यटन मंत्री जी ने इसको स्वीकृत किया है, इसका टेंडर भी हो गया है। इस पर कार्यक्रम भी बस एक आध हफ्ते में चलने वाला है, बनेगा, विकसित होगा। और 8 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरा अभी पड़ा हुआ है जो चुनाव के कारण नहीं हो पाया था। हमारी सोच है, डीएम साहब ने जितनी बात बताई दिया है, बाकी हमारी सोच है कि परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ अगर रोड बन जाएगी, डामरीकरण हो जाएगा। वहीं श्रावस्ती में इकोना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से असला और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दरअसल आरोपियों पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज था। न्यायालय के जरिए आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं सिद्धार्थनगर में बांसी तहसील क्षेत्र के विद्यालयों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे ने आज औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों से पढ़ाई को लेकर बातचीत की। साथ ही विद्यालय भवन, रसोई भवन का रजिस्टर भी चेक किया गया। बहुत दिनों से हमें शिकायतें मिल रही थी कि बांसी ब्लॉक में शिक्षकों की उपस्थिति नियमित नहीं रहती है। इसी क्रम में आज बांसी ब्लॉक के लगभग 8 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है और कुछ विद्यालयों में टीचरों की उपस्थिति समय से नहीं, कुछ लोग देर में आए थे और कुछ अनुपस्थित पाए गए हैं। पर सब पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और इसके आगे भी निरंतर निरीक्षण करते रहेंगे हम लोग, ताकि शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।